धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी निघी गोदी बैठी गुरु प्यारी सत्संग फतेह सान करो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं धन्यवाद करदा सरदार हरपाल सिंह जी का ते उन्हां दी पूरी कमेटी का जिन्होंने अज जामनगर की संगत के दर्शन करन दा सानू मौका दिता। विचारा मेरे तो पहला स्टेज खत्तर साहब ने आप नाल कीतियां ने और मेरा वीर भाई अनंत वीर सिंह जी जिहड़े एले USA तो साल च एक या दो बारी आउंदे ने और पूरे हिंदुस्तान दे विच पाकिस्तान दे विच बंगलादेश दे विच संगत इस गल की चावन हुंदी है कि भाई अनंत वीर आए तो सानू एक कीर्तन की वारी मिल जाए। सो ऐसी गुरु की बख्शिश है मेरे वीर ते मैं अरदास करना सच्चे पातशाह नूं बल बख्शे इस तरह यह बाणी का प्रचार करते रहन महाराज नूं तंदुरुस्ती बख्शे। अज का समागम जिहड़ा इत्थे रख्या गया मैं उहदी गुरद्वारा कमेटी नूं वधाई दिंदा। मैं एक गल जानना कि यह पुरब साहबजादे दा दिन मनाए तां ही सफल ने जे भाई मोती राम जी नूं असीं नाल याद रखांगे। भाई मोती राम नूं याद रखांगे तो फिर दीवान टोडर मल नूं याद रखना बहुत जरूरी है। जे दीवान टोडर मल नूं याद रखते हैं तो फिर नवाब नूं याद रखना बहुत जरूरी है जिन्हें आधा नारा मारिया। कल्ली ए शहीदी दे नाल होर किन्नियां शहीदियां नाल जुड़ियां होईयां ने तुसी अंदाजा नहीं लगा सकते। एक गल का महसूस करना इमेजिन करना और जब तुसी महसूस करोगे तुसी उस समय दे विच पहुंच जाओगे कि भुखे प्यासे साहबजादे ठंडे बुरच बैठे है जिथे डिग्री आप समझ लीए -20 होएगी या -10 होएगी। अज तो पोल्यूशन है एनवायरमेंट है तो वार्मिंग हो गई है। एट दैट टाइम देर वॉज ओपन। मोती राम मेहरा जी जो गुरु साहब के बच्चों से प्यार करते हैं वो कहते हैं बच्चे भूखे बैठे हैं और इनकी भूख के बच्चा तो बच्चा ही है उसकी भूख तो अपनी भूख है। तो दादी माँ जो बूढ़ी साथ में बैठी है अब वो कैसे समझाएगी उनको। तो मोती राम जी के मन में गुरु के प्रति जो निष्ठा जो सेवा थी तो उसके पास जितने पैसे थे पहले दिन उसने वो पैसे और अपनी बीबी के जेवर सिपाहियों को दिए कि मुझे इन बच्चों को दूध पिलाने दो ये भूखे बैठे हुए। अगले दिन कुछ था नहीं फिर उसने अपने मकान का जितना भी उसके पास हिस्सा था वो भी दे दिया। अब तीसरे दिन कुछ नहीं था तो उसने हाथ पैर जोड़ के जैसे तैसे करके वहाँ पर उसने दूध चकाया। इतिहास आपको मेरे से बात प्रधान जी भी बात करेंगे इतिहास पे। मैं सिर्फ मोती राम मेहरा जी के बारे में बात कर रहा हूँ। जब मुगल फौजों को पता लगा कि ये वो बंदा है जिसने साहबजादों को दूध पिलाया तो फिर उसको कोल्लू में उसके पूरे परिवार को पीस दिया। अब कोल्लू कैसे आप पहचानेंगे आज के बच्चों को कोल्लू नहीं पता। आपने गन्ने की मशीन देखी होगी जैसे गन्ने की मशीन में गन्ना डालते हैं और उसका रस निकलता है वैसे मोती राम जी के बेटे को उस कोल्लू में डाला गया और उसको शहीद किया गया और उसका पूरा परिवार शहीद हो गया। ऐसे ही दीवान टोडरमल के साथ हुआ कि भाई तू अगर तूने संस्कार करना है तो तू सोने की जो मोरे हैं वो पहले लिटा दे। तो लिटाने में जब बात तय हो गई मन में चोर आ गया कहता अब ये लिटानी नहीं है इनको खड़ी करनी है अब सोने की मोरे लगा। तो उसकी बेटी के घर में उसका दाज बना हुआ था जो उसने शादी करनी थी उसने वो सारा दाज सारी प्रॉपर्टी सारा कुछ दीवान टोडर मल ने दे के वो जमीन ली। आज भी पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगी अगर कोई जमीन है तो वो साहबजादों की जहां संस्कार हुआ वो जमीन है। सो इनको मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने ये जो दिन चुना है बहुत लंबे समय से मांग रही GK साहब भी और पूरे हिंदुस्तान का जो सिख समाज है वो इस बात की डिमांड करता रहा
कि जिस देश के लिए हमने कुर्बानियाँ करी हैं ये देश हमारा है और हमारे को इस देश में हमारी पहचान चाहिए। तो मेरे को लगता है कि पिछले लंबे समय से अगर हम 350 साल को देखें तो मोदी साहब ने जिस तरीके से 350 साल मनाया वो वर्ल्ड में मैसेज गया। फिर 550वां साल आया वो भी वर्ल्ड में मैसेज गया। सारी एम्बेसीज को, सारे गवर्नर्स को, सारे मिनिस्टर्स को उन्होंने एक मैसेज दिया भी इस दिन को मनाना है। हम साबरमती के यहाँ आए थे, उस समागम में भी हमारे को मौका मिला था। परमजीत कौर जी वहाँ पर हमारे मिनोरिटी के थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब देश का प्रधानमंत्री सोच ले कि हमने उस कम्युनिटी का धन्यवाद करना जिस कम्युनिटी ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए 85% कुर्बानियाँ दी हैं और वो जो लंबे समय से हम अपनी एक आइडेंटिटी, एक अपनी पहचान, एक अपना सिलेबस, जो आज मुगलों के सिलेबस हम पढ़ते हैं स्कूलों में, पर हमारा सिलेबस कहाँ है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की, जिन्होंने एक ऐसे धर्म को बचाने की कुर्बानी करी है। तो मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं हमें इस बात का तसल्ली भी है और हम शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं। और मैं पूनम बहन जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बगैर लोकसभा के MPs के, इन सब की सहमति के बगैर ये पास नहीं हो सकता। ये हिस्टोरिकल एक फैक्ट है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी में हमें अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हम चुन के भेजते हैं उनकी सहमति के बगैर, उनकी वोटिंग के बगैर ये गजेटेड हॉल नहीं बन सकती थी। तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आज इन्होंने भी अपना योगदान इसमें डाला है। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि वाद विवाद सुझाव बहुत हैं, वो हमें करने चाहिए। सरकारों से हमें अपनी टॉकिंग बंद नहीं करनी चाहिए, उसको खुली रहनी चाहिए। गुरु नानक साहब ने हमें संवाद का रास्ता सिखाया, डायलॉग का रास्ता सिखाया। बातचीत बंद हो जाए तो UNO भी कहता कि बातचीत ऑन क्रॉस द टेबल रहनी चाहिए। कई चीज़ें हमें पसंद नहीं आती, कई नाम हमें पसंद नहीं आते, तो हमें उसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, उसके ऊपर हमारी उनके साथ डायलॉग्स होने चाहिए और उन डायलॉग्स को लेके हम अपनी बात रखें। तो मुझे लगता है कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो अपनी जो आवाम है उसकी बात ना सुने। और सबसे बड़ा तो हमारा गुरु है। ये तो मैं सोचूंगा कि भाई प्रधानमंत्री जी की एक बहुत अच्छा समय आया कि जिनके समय में इतनी शताब्दियाँ आ गई और उन्होंने उन शताब्दियों को मनाया भी बहुत अच्छे ढंग से। तो मेरे को वो बड़ी बड़ी तुक याद आती है कि ना, इन गरीब सिखन को दू पातशाही याद करें हमरी गुरियाई। तो मेरा गुरु जड़ा है वो बड़ा बेअंत है, वो पातशाहियाँ दिंदा है, वो बादशाहत दिंदा है और फिर अपने सेवकों तो आप सेवा लेंदा है। बड़े वड्डे वड्डे काम होए ने इस सरकार दे विच। सज्जन कुमार अज जेल च ना हुंदा जे ये सरकार फैसला ना लेंदी। असी 84 दा इंसाफ किन्ने सालों तो मांग रहे सी, हाले भी जगजीत चैकदर बार घूम रहा है। सो मन लगता कि बहुत वड्डे वड्डे काम सरकारां ने कीते ने, इस सरकार तो असी होर भी काम लेने हैं। सो मैं यही कहूँगा कि सच्चे पातशाह योजा काम कराई कि जिस नाल पंथ दी और अपने गुरु का हमेशा ही असी मान सत्कार बनाई रखिए, साढ़े तो कोई योजा काम ना हो जिस नाल कि असी कितना कित सिर नीवा हो। तो अरदास करो तुसी सारे मिल के कि सच्चे पातशाह बल बख्शे कौम दे विच, कौम दी एकता दे विच, ताकि कौम हमेशा चढ़दी कला च रहे। जिथे देश की सेवा वास्ते सब तो पहले सिख रेजिमेंट बॉर्डर ते खड़ी है, असी अज भी तैयार हाँ कि पहला देश साडा बचना चाहिए और फिर उस तो बाद जो सानू धर्म ने सिखाया वो यही सिखाया, ना को बैही ना ही बिगाना सगल साहब को मन मैं इन बेनतियाँ मेरी प्रवान करो। होर भी बुला रहे ने अपनी अपनी गल रखनी है। सो मैं अज दीवान टोडरमल जी नूं, भाई मोती राम मेहरा जी नूं, नवाब साहब नूं जिहड़ा निहार दा नारा मारिया, होर कई जिहड़े ने भी अपना किनका मात्र भी दादिया की सेवा में हाज़र होए ने, अज उस साहबजादा का दिन मनाया ता ही सफल है जो असी इन्हों भी याद करांगे। वादी घाटी बोली गई तो मैं माफ़ी चाहना, गज के फतेह बुलायो। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।